मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, जो कि आपको साड़ी पे बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। छोटे बालों में बहुत ईजिली आप बना लोगे, छोटे बालों में नो बन हेयर स्टाइल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो मैं यहाँ पे अभी बीच मांग से हेयर स्टाइल करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना पफ बना दूँगी अपने बालों में। पफ बनाने के लिए मैं इस तरीके की क्लिप भी यूज़ कर रही हूँ, आप बॉबी क्लिप भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कराऊंगी मैं थोड़े से हेयर ले ले रही हूँ। यहाँ का जो हेयर है इसको थोड़ा सा इस तरीके से फ्लैट लुक देना है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। पफ बनाने के बाद में इसको सेट कर लीजिएगा। पूरा फ्रंट से बैक तक मैं हेयर स्टाइल आज का हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने ले लिया है अपना हेयर। पतले बालों में कैसे फ्रंट हेयर स्टाइल करना है पार्टी वियर, उसकी वीडियो मैंने कल शेयर की थी, तो आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। छोटे और पतले बालों में जाके चेक जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने पफ बना लिया है। आप अपने पफ को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, 3-4 क्लिप्स लगा के, ताकि खुल ना जाए बाद में। ओके, तो ये मेरा पफ अच्छे से बन चुका है। अभी मैं फ्रंट का जो ये हेयर बचा हुआ है इसको ट्विस्टिंग कर लेंगे। सिंपली आप ऐसे ले जाके बैक में सेट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो सिंपल यहाँ से फ्रंट से फ्लैट रखो और जब यहाँ से आप इस तरीके से लेके जाओ, ये वाला भी लुक काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से फ्लैट रहे और बैक में जाके इस तरीके से आप क्लिप से इसको सेट कर दो। जहाँ पे आपने पफ का क्लिप लगाया है वहीं पे सेट करना है इसको, इस तरीके से। ओके, तो इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। यहाँ से आपको फ्लैट रखना है बालों को, और साइड से ऊपर की तरफ लेके जाना है, और इसको भी जो आपने पॉप बनाया है वहीं पे ले जाके सेट कर देना है। ओके, अभी बारी आती है हमारी बन बनाने की। तो बन के लिए क्या करना है, आपको बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
ये थोड़ा सा ज़्यादा लूज है तो आप इसको थोड़ा और ऊपर ला के और फिर इसे ऐड कर सकते हो, इस पर साइड कर सकते हो। तो आज का हेयर स्टाइल है, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और ये इस तरीके से सेट होना चाहिए पूरा अच्छे से, मांग नहीं दिखनी चाहिए बीच में। तो ऐसे में दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ पे एक क्लिप भी लगा सकते हो ताकि ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही टिका रहे। मिरर का तो सेट हो गया है, बस लगा देते हैं ताकि एक जैसा दिखे। बैक में जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा सा हेयर इधर उधर हो रहा है वहाँ पे आप क्लिप सेट कर सकते हो दूरा पिन की मदद से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि बैक में जो हमने बनाया है वो एकदम इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आप चेंज भी करके कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। आपको मेरा हेयर स्टाइल बताने का आइडिया कैसा लगता है, और मैं ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो अपने दूसरे चैनल पर ड्रेस डिजाइनर पर तिवारी पर अपलोड करते रहती हूँ। अगर आपको कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग में इंटरेस्ट हो तो जाके चेकअप जरूर कर दीजिएगा, ये भी ब्लॉग मैंने खुद से ही बनाया है, तो जरूर जाइएगा और चेक जरूर कीजिएगा। मुझे ऐसे सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इंस्टा आई डी क्रिएट तिवारी 24 है, तो वहाँ पर भी जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी रील्स वीडियो, अमेजिंग रील्स वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।